चना चाट बनाने के लिए मैंने लिए हैं काले चने, ये उबाल लिए हैं, रात भर भिगो के रख दिए, तो फिर इनको उबाल लिया है। एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, धनिया पत्ती, एक प्याज बारीक कटी हुई, आधा टमाटर। अब चलिए शुरू करते हैं। अब हम एक बाउल ले लेते हैं जो थोड़ा बड़ा हो, उसमें मैं डाल दूंगी ये चने। अब इसमें कुछ मसाले, काला नमक, चाट मसाला आधा चम्मच, आधा चम्मच से कम जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और बिल्कुल जरा सा नमक, क्योंकि हमने चने उबाले थे उसमें भी नमक डाला था और काला नमक भी यूज करा है, तो इसलिए बस इतना ही नमक डालेंगे। और अगर आपको ज़्यादा तीखा, जैसे ज़्यादा चटपटा खाते हैं, तो आप अपने हिसाब से भी मिर्ची और नमक आप मिला सकते हैं। इसमें मैं डाल दूंगी एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, प्याज, टमाटर, हरा धनिया और एक नींबू का रस। हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और ये मैं काले चने वाली चाट बना रही हूँ। ये क्या है, वैसे भी बहुत हेल्दी रहते हैं, इन्हें हमने फ्राई भी नहीं करा है। और इस तरह की चाट अगर आप बच्चे हैं, बड़े हैं, सुबह अगर एक कटोरी खा लें ना, पूरा दिन बहुत अच्छा निकलेगा और खाने में तो टेस्टी होते ही हैं ये हमेशा। ये देखिए कितना अच्छा इनका कलर भी आया है और देखते ही मुँह में पानी आ रहा है अभी। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई। मिक्स भी हो गई है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आपको मेरी सब वीडियो पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अब हमारी चना चाट बनके तैयार है, खाने में बहुत टेस्टी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ।